पत्रिका प्रोग्रेसिव माइंडसेट के तहत माई क्लाइमेट चेंज विषय पर एक अनोखी और खास पहल मिट्टी के लड्डू की शुरुआत की गई। मिट्टी के लड्डू अभियान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बेहद सराहनीय पहल है। इस तरह के अभियान लोगों के अंदर सकारात्मकता लेकर आते हैं और वे प्रगति से जुड़ाव महसूस करते हैं। पत्रिका ने लोगों को प्रगति के लिए समय निकालने के लिए ये अच्छा अवसर दिया है। घरों में बच्चे भी मिट्टी के लड्डू बनाकर वितरित करना पसंद कर रहे हैं। स्कूलों में भी बच्चों को मिट्टी के लड्डू बनाकर बीजारोपण करना सिखाया जा रहा है। जोधपुर में मेहरानगढ़ पहाड़ी पर्यावरण विकास समिति के अध्यक्ष प्रसन्नपुरी गोस्वामी ने छात्र छात्राओं को इस बारे में बताया। वहीं राजसमंद जिले में देवगढ़ में महिलाएं सीड बॉल्स बनाकर गुलेल से अरावली की पहाड़ियों पर बीजारोपण कर रही हैं। करियर महिला मंडल से जुड़ी महिलाओं ने अब तक 20,000 से ज़्यादा सीड बॉल्स यानी मिट्टी के लड्डू बनाकर बीजारोपण किया। ये सीड बॉल है, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में जहां पर पौधारोपण करना संभव नहीं होता है, वहां पर सीड बॉल के द्वारा हम पौधारोपण बड़े आसानी से कर सकते हैं। इस सीड बॉल में ये मिट्टी और खाद, जिसे देसी खाद में गोबर है, इनको मिलाकर इसको 7 दिन पहले इसको तैयार किया। इसके अंदर एक बीज है, नींबू का, निम्बोली, कोई भी बीज इसमें डाल सकते हैं, अमरूद का, और उसको इसको बांधना लड्डू के रूप में, गेंद के रूप में। बांधने के बाद में कम से कम 3-4 दिन तक इसको सुखाना। तो अभी ये बिल्कुल ठोस है, आप देखेंगे इसको दबाने पर बिल्कुल भी नहीं दब रहा, फूट रहा नहीं है, बिल्कुल भी ठोस है। इसको जब यहाँ से पहाड़ी क्षेत्रों में फेंका जाएगा तो ये किसी भी स्थान पर जाकर जहाँ पर ये अपनी जगह बनाएगा, जहाँ पर ये फिट हो जाएगा, उसी जगह पर इसका जो बीज है वो पानी मिलते ही और रेत का साथ मिलते ही ये वहां से फूट जाएगा। और अपना संघर्ष करके इसमें ये पौधा जो है उसको पानी देने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती, और पहाड़ी क्षेत्रों में जानवरों से सुरक्षा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती।